हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइस, फाइनली इस वीक का AEW का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या हुआ और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिली है। तो गाइस, ये सभी बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक के AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू। पर इससे पहले मैं आपको शॉर्ट में एक बात बताना चाहूंगा कि हम आज करीब करीब 1.5 साल से AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू कर रहे हैं और हमारे चैनल के ऊपर ज्यादा लोग नहीं जुड़े, इसीलिए मैंने जरा रेसलिंग से हटकर किसी और चीजों में अपना इंटरेस्ट बनाकर एक और नया चैनल शुरू किया है जिस चैनल का नाम है वेब हिंदी और हम उस चैनल के ऊपर रेसलिंग के अलावा बाकी सारे टीवी शोज, मूवीज और वेब सीरीज के बारे में बातें करने वाले हैं और हम उस चैनल के ऊपर टीवी शोज, वेब सीरीज और मूवीज का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो गाइज, अगर आपको ऐसी चीजें पसंद आती है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे नए चैनल के ऊपर जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर रख सकते हैं। और फिलहाल में तो उस चैनल के ऊपर कोई कंटेंट नहीं आया, पर कल से आपको उस चैनल के ऊपर रेगुलर कंटेंट देखने को मिलने वाला है और हम शुरुआत करने वाले एक काफी अच्छी वेब सीरीज से। तो अगर आपको टीवी शोज, मूवीज और वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे उस चैनल के ऊपर जाकर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, आपको बता दूं कि कल से उस चैनल के ऊपर रेगुलर कंटेंट आने वाला है। पर जहां तक बात है इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइस, इस वीक के AEW के डायनामाइट शो की शुरुआत में हमें फॉर्मर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्रिस जेरिको इस वीक के डायनामाइट शो के लिए कमेंट्री ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद हमें फाइनली इस वीक के डायनामाइट शो का ओपनिंग मैच देखने को मिला जहां पर द यंग बक्स एडी किंगस्टन और पेंटा एल ज़ूरियम को फेस कर रहे थे। और ये मैच शुरू होने से पहले ही एडी किंगस्टन और पेंटा एल ज़ूरियम ने यंग बक्स के ऊपर अटैक करने का सोचा, पर यंग बक्स किसी तरह यहां पर पेंटा और एडी किंगस्टन से बचने के लिए कामयाब हो गए। और यहाँ पर हमें यंग बक्स का एक न्यू लुक भी देखने को मिला है जिसके बारे में हम आने वाले वीडियोस के अंदर बातें करेंगे। पर जहाँ तक बात है इस मैच की, तो मुझे तो लगता है कि यंग बक्स कभी भी कोई खराब मैच देते ही नहीं और यही सिलसिला इस मैच में भी कंटिन्यू रहा, क्योंकि गाइज ये मैच भी एक काफी बढ़िया मैच था और हमें इस मैच में भी शुरुआत से लेकर आखिर तक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही हाई पेस एक्शन देखने को मिला है। और एक बहुत ही बढ़िया मैच में बहुत सारे क्लोज फॉल्स के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के विनर की, तो गाइज फाइनली यंग बक्स पेंटा एल ज़ूरियम के ऊपर उनका ही टैग टीम फिनिशर लगाकर उन्हें पिन करने के लिए गए, तब एडी किंगस्टन ने किसी तरीके से वो पिन ब्रेक कर दी। पर इसके बाद यहाँ पर रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गुड ब्रदर्स आ गए और जब गुड ब्रदर्स रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे थे तब ब्रैंडन कटलर पेंटा एल ज़ूरियम की आंखों में स्प्रे टैन छिड़कने के लिए गए, पर ब्रैंडन कटलर ने एक्सीडेंटली स्प्रे टैन मैट जैक्सन की आंखों में ही छिड़क दिया। और तभी यहाँ पर इलीट थंडर फ्रैंकी कजेरियन आ गए जिन्होंने ब्रैंडन कटलर के ऊपर अटैक किया और पेंटा के इन सब के ऊपर एक डाइव करने के बाद फाइनली मैट जैक्सन के ऊपर अपना फिनिशर लगाकर मैट जैक्सन को पिन कर पेंटा एल ज़ूरियम और एडी किंगस्टन ने यह मैच जीत लिया है, जिसका मतलब कि अब यंग बक्स के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए अगले चैलेंजर्स एडी किंगस्टन और पेंटा एल ज़ूरियम होने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि अब ये मैच कब होता है और क्या एडी किंगस्टन और पेंटा मिलकर यंग बक्स को उनके वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए हरा पाते हैं या नहीं। पर इसके बाद हमने देखा कि डायनामाइट शो के बैकस्टेज में क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय बैठकर बातें कर रहे थे और यहाँ पर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय से कहा कि क्रिश्चियन केज ने जंगल बॉय से पहले भी कहा है कि एक तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं और जंगल बॉय ने अपने लास्ट मैच से बहुत कुछ सीखा है, तो इसीलिए क्रिश्चियन चाहते हैं कि क्रिश्चियन इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना मैच जीतकर AEW कंपनी के ऐसे पहले रेसलर बने जो कि AEW कंपनी के अंदर 50 मैचेस जीतेगा, जो बातें क्रिश्चियन केज जंगल बॉय से यहाँ पर कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर लुचासोरस आ गए और क्रिश्चियन केज से बातें करते हुए लुचासोरस ने कहा कि आज तक लुचासोरस क्रिश्चियन केज से नहीं मिले, पर जितनी देर तक लुचासोरस AEW के डायनामाइट शो के ऊपर नहीं थे उतनी देर तक जंगल बॉय का ख्याल रखने के लिए लुचासोरस ने थैंक यू कहा। और लुचासोरस ने यहाँ पर यह भी कहा कि आज के बाद जब कभी क्रिश्चियन केज को लुचासोरस की जरूरत पड़ेगी तब लुचासोरस क्रिश्चियन केज की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले है। तो देखना पड़ेगा कि अब AEW कंपनी के अंदर आगे रिलेशन कहाँ तक जाता है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर इथन पेज से बातें करते हुए टोनी शिवानी जानना चाहते थे कि इथन पेज ने डार्बी आयलन को एक कफिन मैच के लिए चैलेंज क्यों किया है। और यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए इथन पेज ने कहा कि डार्बी आयलन को खत्म करने के लिए इथन पेज जो कर रहे हैं वो इनफ नहीं है, इसीलिए इथन पेज चाहते हैं कि डार्बी आयलन और इथन पेज के बीच में एक कफिन मैच हो, जिसके बाद फाइनली इथन पेज डार्बी आयलन को खत्म कर देंगे, जो बातें यहाँ पर इथन पेज कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर स्टिंग एक कफिन लेकर आ गए जिसके अंदर डार्बी आयलन थे और यहाँ पर डार्बी आयलन और स्टिंग ने मिलकर इथन पेज और स्कॉर्पियो स्काई के ऊपर अटैक किया और डार्बी आयलन ने अपनी पूरी उंगलियां इथन पेज की आंखों में चुबा दी। और यहाँ पर डार्बी आयलन को रोकने के लिए रेफरीज और डॉक्टर्स आ गए, पर इसके बाद माइक लेकर बातें करते हुए इथन पेज ने कहा कि डार्बी आयलन को पता है कि जब इथन पेज अपना 100% देंगे तब डार्बी आयलन इथन पेज को नहीं हरा पाएंगे और इसीलिए डार्बी आयलन इथन पेज को इंजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बातें कहकर यहाँ पर इथन पेज ने नेक्स्ट वीक होने वाला अपना मैच कैंसिल कर दिया है। और अब इथन पेज चाहते हैं कि अगर डार्बी आयलन इथन पेज को हाथ ना लगाए तभी फाइटर फेस्ट के ऊपर इथन पेज और डार्बी आयलन का एक कफिन मैच हो। तो देखना पड़ेगा कि क्या आज के बाद डार्बी आयलन इथन पेज के ऊपर अटैक करते हैं या नहीं।
और अगर डार्बी एलन इथन पेज के ऊपर अटैक करते हैं तो हमें प्रॉबेबली डार्बी एलन और इथन पेज के बीच में एक कफिन मैच नहीं देखने को मिलेगा। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर जंगल बॉय और हार्डी फैमिली ऑफिस के जैक एवंस के बीच में एक मैच देखने को मिला और हमेशा की तरह ही इस मैच में जंगल बॉय को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला और ये मैच भी इस वीक के डायनामाइट शो का एक काफी बेहतरीन मैच था, जहां पर जैक एवंस इस मैच में जंगल बॉय को इंजर्ड करने के लिए आए थे लेकिन जंगल बॉय ये मैच जीतने के लिए आए थे, जिस वजह से हमें ये मैच एक काफी बढ़िया मैच देखने को मिला है। और फाइनली इस मैच के आखिर में जैक एवंस के ऊपर अपना फिनिशर स्नेयर ट्रैप लगाकर यहां पर सबमिशन के सहारे जंगल बॉय ने ये मैच जीत लिया है। पर जंगल बॉय के ये मैच जीतने के बाद यहां पर आकर हार्डी फैमिली ऑफिस जंगल बॉय के ऊपर अटैक करना चाहता था, पर इससे पहले कि हार्डी फैमिली ऑफिस जंगल बॉय के ऊपर अटैक कर पाते, यहां पर क्रिश्चियन केज और लुचा सोरस आ गए और इन्होंने मिलकर हार्डी फैमिली ऑफिस के ऊपर अटैक कर दिया। और फाइनली जब रिंग के अंदर क्रिश्चियन केज मैट हार्डी के ऊपर अटैक कर रहे थे तो तभी यहां पर जैक एवंस आ गए और क्रिश्चियन केज जैक एवंस के ऊपर अटैक करने के लिए गए और इतने में मैट हार्डी रिंग छोड़कर भाग गए। तो देखना पड़ेगा कि हमें आगे क्रिश्चियन केज और मैट हार्डी के बीच में ये मैच कब देखने को मिलता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर एमजीएफ एक बैकस्टेज सेगमेंट में क्रिस जेरिको से बातें करते हुए दिखाई दिए और यहां पर बातें करते हुए एमजीएफ ने कहा कि एमजीएफ को लगता था कि एमजीएफ से बैटल करने के लिए क्रिस जेरिको अपना अल्टीमेट गेम लाने वाले हैं, पर फिलहाल में एमजीएफ देख रहे हैं कि क्रिस जेरिको एमजीएफ के ऊपर अटैक करने के लिए अपने अल्टीमेट लेवल के ऊपर नहीं बल्कि अपने से छोटे लेवल के ऊपर जा रहे हैं। इसीलिए फाइनली क्रिस जेरिको के ऊपर रहम कर एमजीएफ नेक्स्ट वीक बताने वाले हैं कि अगर क्रिस जेरिको एमजीएफ के खिलाफ एक वन लास्ट मैच चाहते हैं तो फिर क्रिस जेरिको को एमजीएफ के खिलाफ एक वन लास्ट मैच देने के लिए एमजीएफ की स्टिपुलेशंस क्या रहने वाले हैं, जो स्टिपुलेशंस नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एमजीएफ रिवील करेंगे। लेकिन इसके बाद सैमी गवेरा से बातें करते हुए एमजीएफ ने कहा कि सभी लोग देखना चाहते थे कि सैमी गवेरा और एमजीएफ के बीच का मैच कैसा होता है और इस मैच के अंदर कौन जीतता है, क्योंकि सबको देखना है कि AEW कंपनी का फ्यूचर कौन है। और इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के ऊपर ये मैच होने के बाद सभी लोग कहेंगे कि सैमी गवेरा AEW कंपनी के फ्यूचर है, क्योंकि MJF का कहना है कि MJF AEW के करंट प्रोडक्ट है जिन्हें सैमी गवेरा कभी नहीं रिप्लेस कर पाएंगे। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर अंद्रादे का एक बैकस्टेज इंटरव्यू देखने को मिला, जिस इंटरव्यू के अंदर बातें करते हुए अंद्रादे ने कहा कि लास्ट वीक मैट सैडल ने अंद्रादे को इंटरप्ट किया है, इसीलिए अंद्रादे चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट स्पेशल रोड रेजर के ऊपर अंद्रादे और मैट सैडल का मैच हो। जो बातें कहकर यहां पर अंद्रादे ने मैट सैडल को नेक्स्ट वीक एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अंद्रादे का AEW कंपनी के अंदर डेब्यू मैच कैसा होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन केनी ओमेगा आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने भी AEW कंपनी के अंदर अपना एक नया लुक रिवील किया है। और यहां पर बातें करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि आज सुबह उठकर केनी ओमेगा को किंग की तरह लगा है, क्योंकि केनी ओमेगा ने AEW कंपनी के सबसे टॉप टैलेंट यानी कि जंगल बॉय को लास्ट वीक हराया है। और अब जंगल बॉय को लास्ट वीक हराने के बाद अब केनी ओमेगा के पास कोई चैलेंजर्स नहीं है, इसीलिए केनी ओमेगा चाहते थे कि केनी ओमेगा अब AEW कंपनी से थोड़ा फार ब्रेक ले ले। पर तभी यहां पर द डार्क ऑर्डर आ गई और गाइज हम सबको पता है कि अगर केनी ओमेगा जंगल बॉय को उस मैच के अंदर हरा देते तो केनी ओमेगा के AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए अगला नंबर वन कंटेंडर कौन बनता। और यहां पर उसी कंटेंडर के बारे में बात करते हुए यानी कि एडम पेज के बारे में बात करते हुए इविल उन्होंने कहा कि केनी कह रहे हैं कि फिलहाल में उनके चैंपियनशिप के लिए कोई चैलेंजर नहीं है, पर डार्क ऑर्डर का नया दोस्त AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर वन कंटेंडर है। जो बातें जब यहां पर इविल उनो कर रहे थे तो तभी यहां पर क्राउड की तरफ से हैंगमैन पेज के लिए काफी बढ़िया सपोर्ट देखने को मिला। पर इसके बाद यहां पर माइक लेकर बात करते हुए केनी ओमेगा ने कहा कि अगर ये वही आदमी है जो कि केनी ओमेगा सोच रहे हैं तो केनी ओमेगा इविल उनो को बताना चाहते हैं कि उस आदमी के अंदर इतना भी दम नहीं है कि वो यहां पर आकर केनी ओमेगा से फेस टू फेस बातें करे। उस आदमी में इतना भी दम नहीं है कि वो केनी ओमेगा को AEW के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा पाए, और उस आदमी में इतना भी दम नहीं है कि वो अपने आप को AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन कह पाए। जो बातें यहां पर कहकर केनी ओमेगा ने एडम हैंगमैन पेज की काफी बड़ी बेइज्जती कर दी है। और केनी ओमेगा ने कहा कि जब तक हैंगमैन पेज आकर केनी ओमेगा से बातें नहीं करते तब तक केनी ओमेगा हैंगमैन पेज को कोई चैंपियनशिप मैच नहीं देने वाले। और ये बातें कहकर यहां पर केनी ओमेगा यहां से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि अब एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा को कब कन्फ्रंट करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर ब्रायन पिलमन जूनियर ने बातें करते हुए कहा कि इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मीरो को हराकर ब्रायन पिलमन जूनियर दिखाने वाले हैं कि मीरो गॉड के फेवरेट चैंपियन नहीं है। जो बातें यहां पर ब्रायन पिलमन जूनियर ने कही। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो के ऊपर AEW TNT चैंपियन मीरो अपनी AEW TNT चैंपियनशिप चैलेंजर ब्रायन पिलमन जूनियर के अगेंस्ट डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहां पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस कहना पड़ेगा कि इस मैच के शुरुआत में मीरो के अटैक को रिवर्स कर ब्रायन पिलमन जूनियर ने इस मैच में मीरो के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है और इसी के चलते ब्रायन पिलमन जूनियर ये मैच जीतने के काफी करीब पहुंच चुके थे। और सच में ब्रायन पिलमन जूनियर ने इस मैच के अंदर मीरो को बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, पर फाइनली ब्रायन पिलमन जूनियर का अटैक रिवर्स कर ब्रायन पिलमन जूनियर के ऊपर लगातार 2-3 मुहजी लगाकर और अपना सबमिशन मुंह लगाकर मीरो ने ये मैच सबमिशन के सहारे जीत लिया है और स्टिल है हमारे AEW TNT चैंपियन मीरो। पर मुझे लगता है कि इसके बाद इस वीक के डायनामाइट शो का
सबसे बेहतरीन सेगमेंट हुआ क्योंकि इसके बाद डार्क ऑर्डर बैकस्टेज में बातें कर रहे थे और तभी यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज आ गए और यहाँ पर डार्क ऑर्डर से बातें करते हुए हैंगमैन पेज ने कहा कि डार्क ऑर्डर ये क्या कर रहे है, उन्हें एडम हैंगमैन पेज के तौर पर बातें करने की जरूरत नहीं है, जो बातें यहाँ पर हैंगमैन पेज कर ही रहे थे। लेकिन तभी यहाँ पर हैंगमैन पेज से बातें करते हुए स्टू ग्रेसन ने कहा कि अगर एडम हैंगमैन पेज को लगता है कि द डार्क ऑर्डर को एडम हैंगमैन पेज के तौर पर बातें नहीं करनी चाहिए और उन्हें कोई चैंपियनशिप मैच नहीं चाहिए तो एडम हैंगमैन पेज वहाँ पर डार्क ऑर्डर को रोकने के लिए आ सकते थे, पर हैंगमैन पेज ने ऐसा नहीं किया, जिसका मतलब कि हैंगमैन पेज को AEW के वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच चाहिए। पर वो क्या है जिससे हैंगमैन पेज डर रहे हैं, जो बातें यहाँ पर स्टू ग्रेसन ने कही। पर इसके बाद कोल्ट कैबाना ने बातें करते हुए कहा कि कोल्ट कैबाना को लगता है कि हैंगमैन पेज केनी ओमेगा से नहीं बल्कि एक बार फिर से हारने से डर रहे हैं। और इसके ऊपर एडम हैंगमैन पेज से बातें करते हुए इविल उन्होंने कहा कि याद है कि जब इविल उन्होंने TNT चैंपियन नहीं बन पाए थे तब एडम हैंगमैन पेज ने इविल उन्होंने क्या कहा था कि जीतना या फिर हारना मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि आपने पूरे के पूरे एफर्ट्स लगाए थे, जो बातें एडम हैंगमैन पेज ने ही इविल उन्होंने से कही थी। तो अब एडम हैंगमैन पेज खुद से ट्राई करने के लिए क्यों डर रहे हैं, जो बातें यहाँ पर इविल उन्होंने कही। और यही जॉन सिल्वर ने भी बातें करते हुए कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एडम हैंगमैन पेज और केनी ओमेगा के मैच का रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि हैंगमैन पेज जीते या फिर हारे डार्क ऑर्डर हमेशा ही हैंगमैन पेज के साथ रहने वाली है, जो बातें यहाँ पर जॉन सिल्वर ने कही। और यही जाते जाते एलेक्स रेनल्स ने कहा कि हैंगमैन पेज ने काफी ज्यादा इंतजार कर लिया है, जो बातें यहाँ पर डार्क ऑर्डर के हर एक मेंबर ने कहकर यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज को अंदर से जगा दिया है। और अब ऐसा लगता है कि प्रोबेबली अब एडम हैंगमैन पेज केनी ओमेगा को फेस करने के लिए तैयार है और इसीलिए मुझे ये सेगमेंट बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर इसके बाद एक और बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए टीम टैज के लीडर टैज ने कहा कि फिलहाल में टीम टैज के बीच में काफी सारे डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं और ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स एक दूसरे के बीच में ही लड़ रहे हैं और यही रोकने के लिए फाइनली टैज चाहते हैं कि ब्रायन केज अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकी स्टार्क्स के अगेंस्ट डिफेंड करे, जो बातें कहकर यहाँ पर टैज ने आने वाले डायनामाइट शो के लिए ब्रायन केज और रिकी स्टार्क्स के बीच में एक मैच कन्फर्म कर दिया है। तो अब देखना पड़ेगा कि ये मैच कब होता है और कैसा होता है। पर इसके बाद डायनामाइट शो के ऊपर एक टैग टीम मैच के अंदर डॉक्टर ब्रिट बेकर और रेबल मिलकर विकी गरेरो और नायला रोज को फेस कर रही थी और ये मैच शुरू होने से पहले ही डॉक्टर ब्रिट बेकर ने विकी गरेरो के ऊपर अटैक कर दिया। पर ये मैच स्टार्ट होने के बाद नायला रोज इस मैच में लीगल थी और ये मैच शुरू होने के बाद से नायला रोज इस मैच में रेबल के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर रही थी और रेबल जब कभी टैग के लिए गई तब डॉक्टर ब्रिट बेकर ने टैग नहीं लिया, जिससे इस मैच में रेबल को ही काफी ज्यादा मार खानी पड़ी है। और ये मैच भी एक ठीक ठाक मैच था जहां पर विकी गरेरो और रेबल की परफॉर्मेंस कुछ बहुत ही बढ़िया तो नहीं थी, पर कहना पड़ेगा कि इस मैच में रेबल ने काफी ज्यादा मार खाया है। और फाइनली जब इस मैच के आखिर में डॉक्टर ब्रिट बेकर लीगल थी तब नायला रोज ने काफी बड़ी गलती कर दी कि नायला रोज ने इस मैच में विकी गरेरो को टैग कर दिया और विकी गरेरो के हस्बैंड यानी कैडी गरेरो को एक ट्रिब्यूट देते हुए नायला रोज यहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर एक फ्रॉग स्प्लैश लगाने के लिए गई, पर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने विकी गरेरो को नायला रोज के ऊपर ही ढकेल दिया, जिससे नायला रोज मैच के बाहर गिर गई और इसी का फायदा उठाकर विकी गरेरो के ऊपर अपना फिनिशर लॉकजॉ लगाकर डॉक्टर ब्रिट बेकर ने ये मैच जीत लिया है। पर गाइस ये मैच खत्म होने के बाद नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक किया और यहां पर डॉक्टर ब्रिट बेकर के ऊपर अटैक करते हुए नायला रोज ने डॉक्टर ब्रिट बेकर को एक टेबल के थ्रू भी फेंक दिया, जिससे कहना पड़ेगा कि अगर यहां पर नायला रोज ये मैच हार भी चुकी है तो फिर भी यहां पर AEW ने नायला रोज को बहुत ही तगड़ा दिखाया है। तो देखना पड़ेगा कि डॉक्टर ब्रिट बेकर और नायला रोज के मैच के बीच में क्या होता है। पर इसके बाद एक बैकस्टेज सेगमेंट में बातें करते हुए सैंटाना ओर्टिज और जेक हेगर ने कहा कि नेक्स्ट वीक एक सिक्स मैन टैग टीम मैच के अंदर इनर सर्कल के जेक हेगर सैंटाना और ओर्टिज इनर सर्कल से डीन मोलेंको के ऊपर किए हुए अटैक का बदला लेने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट वीक इनर सर्कल क्या करती है। पर इसके बाद फाइनली टाइम हो चुका था इस वीक के AEW के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर सैमी गवेरा MJF को फेस कर रहे थे और ये मैच शुरू होने से पहले भी MJF ने क्राउड के ऊपर एक काफी तगड़ा प्रोमो कट किया। पर जहां तक बात है इस मैच की, तो गाइस कहना पड़ेगा कि AEW कंपनी में आने से पहले MJF और सैमी गवेरा को कोई नहीं जानता था, पर आज इन दोनों ने ही AEW कंपनी के मेन इवेंट के अंदर एक काफी बढ़िया मैच डिलीवर किया है। और माना कि इस मैच में भी MJF अपने हील टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर सैमी गवेरा से भाग रहे थे, पर फिर भी सैमी गवेरा ने इस मैच में MJF के ऊपर काफी तगड़ा अटैक किया है और यहां पर सभी लोगों ने मिलकर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन भी दी है। और एक बहुत ही बढ़िया मैच में टॉप रोप स्प्रिंग बोर्ड कटर, स्प्रिंग बोर्ड पाइल ड्राइवर, बैरिकेड के दूसरे तरफ MJF के ऊपर एक टॉप रोप डाइव, सैमी गवेरा का बहुत ही बढ़िया स्पेनिश फ्लाई और सैमी गवेरा के ऊपर एक टॉप रोप टूमस्टोन जैसे बहुत ही बढ़िया मूव्स के बाद जब MJF इस मैच के आखिर में सैमी गवेरा के ऊपर कवर करने के लिए गए, तब भी सैमी गवेरा ने इस मैच में किकआउट कर दिया और यही टॉप रोप टूमस्टोन लगाने की वजह से MJF का घुटना भी दर्द कर रहा था। और इसके बाद सभी फैंस से पूरा का पूरा मैच खड़े होकर देख रहे थे, जहां पर फाइनली सैमी गवेरा ने MJF के ऊपर अपना फिनिशर GT8 लगाकर MJF के ऊपर अपना फिनिशर 360 सेंटॉन लगाया और सैमी गवेरा ने इस मैच में MJF को पिन किया, पर फिर भी MJF ने यहां पर किकआउट कर दिया, जो देखा जाए तो काफी शॉकिंग मूव थी। और यही पर MJF की मदद करने के लिए शॉन स्पियर्स आ गए और शॉन स्पियर्स को देखकर क्रिस जेरिको भी कॉमेंट्री छोड़कर शॉन स्पियर्स
के ऊपर अटैक करने के लिए गए, पर वार्डलो ने क्रिस जेरिको को रोक लिया और रेफरी का ध्यान अपने तरफ खींचकर वार्डलो ने क्रिस जेरिको को रैंप के ऊपर से नीचे फेंक दिया। और जब रेफरी ये सब देख रहा था तब शॉन स्पियर्स ने एमजीएफ के ऊपर एक स्टील चेयर से अटैक किया, जिसके बाद सैमी गवेरा को पिन कर एमजीएफ ने ये मैच जीत लिया है, जो देखा जाए तो इस मैच का काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट था। और इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ जाते समय हमें पैंडेमिक के समय हुए AEW के ग्रेटेस्ट मोमेंट्स दिखाए गए, क्योंकि इसके बाद AEW लाइव टूरिंग के ऊपर निकलने वाली है और इसके बाद AEW में पूरा का पूरा क्राउड आने वाला है, जिसे एक बहुत ही बढ़िया प्रोमो के साथ इस वीक का AEW का डायनामाइट शो ऑफेयर चला गया। और गाइज, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक का डायनामाइट शो कैसा लगा, पर मेरे हिसाब से इस वीक का डायनामाइट शो एक और बहुत ही बढ़िया डायनामाइट शो था। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कर हमारे नए चैनल वेब हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और देखते हैं कि बिना कंटेंट हम कितने सब्सक्राइबर गेन कर पाते हैं, पर कल से आपको उस चैनल के ऊपर भी कंटेंट देखने को मिल जाएगा। पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?